मैं प्रियंका, मेरी सर्जरी अभी 18 अक्टूबर को हुआ है, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरी रिकवरी से लेके अभी तक में सारी चीज़ें अच्छी रहीं। और आज 20 तारीख है, जिसमें मेरा पैरों का मूवमेंट सेम डे ही 18 अक्टूबर को स्टार्ट कर दिया। विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, मूवमेंट, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें हुई। '18, '19, '20 में आज मैं अपना खुद सेल्फ जो है लेग मूवमेंट कर पा रही हूँ, ईजिली एक्सरसाइज कर पा रही हूँ सेल्फ विदाउट एनी हेल्प। और वॉकिंग मैंने सेम डे ही स्टार्ट हो गया था, आज मैं खुद भी कर सकती हूँ अकेले। और आज 20 तारीख में 2 दिन में मेरी इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छी रही। और कल 21 तारीख है और कल हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस दिल्ली से यहाँ तक आना और सर्जरी के बीच का सारी चीज़ें हमारी अच्छी रही। और हॉस्पिटल, यहाँ का स्टाफ और अमित जी का प्रॉपर सपोर्ट रहा, जिसमें ये नहीं लगा कि हम दूसरी सिटी से आए हैं या हमें कोई हेजिटेशन या किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है या प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। सभी चीज़ों का ओवरऑल हमें अच्छा एक्सपीरियंस, प्रॉपर सपोर्ट रहा। यहाँ पे सभी कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, टाइम टू टाइम हमारी हेल्प करते हैं और विदाउट आस्किंग हमारे लिए ऑल टाइम यहाँ पे रहते हैं 24 आवर्स। डॉक्टर से हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे जितने भी डाउट्स थे उन्होंने क्लियर करे और उन्होंने पूरी क्लियरिटी दी हमें, जितना और डॉक्टर से मिलने पे नहीं मिल पाती थी। जाते थे जितनी एक्सपेक्टेशंस के साथ में जाते थे, उतनी अच्छी हमें क्लियरिटी नहीं मिल पाती थी। घर पे, घर से जितनी खुशी से निकल के जाना, क्लियरिटी मिलना, बट वो घर तक आते आते उतनी वो खुशी नहीं रहती थी जितनी एक्सपेक्टेशन से हम जाते थे हमें क्लियरिटी, हमारे डाउट क्लियर होंगे। बट यहाँ पे आने के बाद अमित जी ने हमारे प्रॉपर डाउट क्लियर करे। एक उससे भी हमारी माइंड फ्रेम में जो पिक्चर रहती है वो भी क्लियर होती है। फिर यहाँ पे जितने भी वीडियोस थे, इतने लोगों की इम्प्रूवमेंट देख के, उससे भी हमारे 75% हमारे डाउट क्लियर हो गए। 50% अमित जी ने क्लियर करे, 25% उनकी वीडियो ने करे। और टाइम टू टाइम उन्हें कांटेक्ट करना, उन्हें मैसेज करना, हर तरीके से उन्होंने अपना कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू हेल्प किया। यहाँ पे आने से एक दूसरे सिटी में आना, यहाँ पे किस तरीके से कांटेक्ट करना, उन्होंने प्रॉपर कम्युनिकेट करके हमें प्रॉपर यहाँ पर हेल्प किया। फिर यहाँ पर जब डॉक्टर से मीटिंग हुई तो एक पूरी जो पिक्चर रहती है 100% वो हमें क्लियर हो गया। फिर कोई हेजिटेशन नहीं रहा। 17 तारीख को हम यहाँ पहुँचे, हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई, टेस्ट वगैरह हुए। नेक्स्ट डे ऑपरेशन रहा, जिसमें नर्वसनेस तो बिल्कुल भी नहीं थी। और बहुत ही टाइम से मेरा ऑपरेशन भी हो गया और हम आ भी गए। और सेम डे मैंने जैसे बताया आपको, एक्सरसाइज, मूवमेंट, सारी चीज़ें हो गई। तीसरे दिन अब मैं ये सारी चीज़ें खुद भी कर पा रही हूँ। अब बस थोड़ी सी एक टाइम पीरियड है जिसमें मेरी ये सारी रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने दूसरे लेग की सर्जरी के लिए आऊँगी। और जितनी जल्दी ये होगी उसके बाद मैं अपने सेकंड लेग की सर्जरी के लिए आती हूँ। और यही चीज़ थी जो एक लंबे टाइम से मैं चाह रही थी और वो अब पूरी हो गई है।